नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अमित पंघाल आपके पंघाल फिटनेस पे। तो आज हम बात करेंगे आपके डे 3 की। तो आपके पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जो मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे, मैं सारे रीड करता हूँ आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं। तो पहले बात करते हैं कि कोई कहता है कटिंग करनी हो तो डबल बॉडी पार्ट करना होता है। आप बड़ी मसल को सिंगल कर सकते हैं, लेकिन बाइसेप्स ट्राइसेप्स जब करें तो डबल करें पहला। और दूसरा, वेट बढ़ाना है, हाँ सब में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाएं, रेपिटेशन 12 से 15 रखें, आपको रिप ढूंढना है। तीसरा कि गेनिंग सीरीज है, कटिंग सीरीज है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप बॉडी को चेंज कर रहे हैं, रिप्ड भी हो रहे हैं और साइज भी अच्छा रख रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए आपकी, और डाइट वीडियो के बड़े क्वेश्चन थे कि डाइट वीडियो, तो डाइट वीडियो भी आएंगी, आपके सप्लीमेंट स्टैक भी आएंगी, आपकी दोनों डाइट दिखाऊंगा, जिसको साइज गेन करना है प्रॉपर और जिसको बिल्कुल रिप्ड होना है, तो दोनों की डाइट दिखाऊंगा। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आपकी एक बार शेड्यूल हो जाए वर्कआउट का, उसके बाद आपकी डाइट वीडियो, आपके सप्लीमेंट स्टैक, तो जल्दी जल्दी वीडियो आती रहेंगी। कोशिश कर रहा हूँ हर ऑल्टरनेट डे आए, क्योंकि वीडियो शूट होती है फिर एडिट करनी पड़ती है, तो 9-10 घंटे लग जाते हैं उसमें, तो एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आती रहेंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, लेकिन और फिट ज़रूर होना आपको, यही मेरी कोशिश है आप सबके लिए। और अच्छा वर्कआउट करें, हेल्दी डाइट खाएं, फिट रहें, दिमाग से भी शरीर से भी, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, और ट्रांसफॉर्म होते क्या करो, पैसे से चेंज आ रहा है तो आपके भी आएगा। इस सीरीज को फॉलो करें। चलिए अब चलते हैं सीधा जिम। तो स्टार्ट करते हैं, पहले वार्म अप करेंगे। वर्कआउट से पहले कोई भी वर्कआउट करें, वार्म अप जरूरी है। अपने वार्म अप के बाद अपनी स्ट्रेचिंग करें, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, अपना स्ट्रेच करें, अपने शोल्डर, अपने बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट करेंगे। उससे पहले आप अपने लाइट वेट डंबल ले लें, अपने रेपिटेशन करें आपके डंबल कर्ल और डंबल हैमर कर्ल, अपना 20-20 20-20 रैप्स निकालें, 15-15 जो ऐसे आपने निकलें। उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज आपके बाइसेप्स पीक के लिए, क्योंकि बाइसेप्स क्या, क्योंकि बोल नहीं दिखती ढंग से। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम कंसंट्रेशन कर्ल, इसके 4 सेट्स करेंगे, 15 रेपिटेशन करेंगे। माइंड मसल का कनेक्शन रखेंगे, दोनों को कनेक्ट रखेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, बिल्कुल मसल को फील करेंगे। फील करते हुए अपना कंसंट्रेशन, वर्कआउट का नाम ही कंसंट्रेशन एक्सरसाइज का, कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक जगह कंसंट्रेट करके उस मसल पे फोकस करें, जैसे आपको दिख रहा है अपनी वीडियो में, बिल्कुल स्लो जाना है ऊपर जाके, 1 सेकंड मसल को स्क्वीज करना है। और सेकंड एक्सरसाइज करेंगे आपकी बारबल कर्ल, वेट अपने हिसाब से लगाएं, ग्रिप जितनी आपकी चौड़ाई है, जितनी आपकी ब्रेथ है, उस हिसाब से ग्रिप बिल्कुल टाइट। मैं हमेशा कहता हूँ ग्रिप बहुत टाइट पकड़े जब भी कोई वर्कआउट करें, और बिल्कुल फ्री करना है, जर्क बिल्कुल नहीं करना है, जैसे आपको दिख रहा है ऊपर जाके, जब आप ऊपर जाएंगे, जब ब्रीद आउट करना है, जब आपकी बार ऊपर जाएगी। 4 सेट्स करने हैं और 12 रेपिटेशन करने हैं, लेकिन फील करके, कोई जर्किंग नहीं। कई बार झूला बनाते हैं, झूला नहीं झूलना है, ऊपर जाके ब्रीद आउट, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, 4 सेट्स करें 12-12 रेपिटेशन के। अब हम करेंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज, लेकिन जब भी आप हैवी वेट का यूज़ करेंगे, आप बेल्ट का यूज़ करेंगे, ये नहीं कि आप शोल्डर कर रहे हैं या कुछ भी कर, जब बाइसेप्स करें तब भी यूज़ करें, क्योंकि हैवी वेट करते हैं तो आपकी लोअर बैक पे कई बार जर्किंग आ जाती है, कोई झटका आ जाता है, जिसकी वजह से आपको बेड रेस्ट या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्लीज़ बेल्ट का यूज़ कर लें, हमारा फर्स्ट सेट है। अब वेट अपने हिसाब से लगे, तो मैंने इसमें 17.5 kg वेट लिया है, तो ये करेंगे आप बाइसेप्स को ऊपर जाके थोड़ा सा राउंड करेंगे अपने बाइसेप्स को, क्योंकि कई कहते हैं कि बाइसेप्स की बोल अच्छी तरह नहीं आती, बाइसेप्स की पीक नहीं दिखती, इसलिए। और 4 सेट्स करेंगे आपके डंबल कर्ल के, 10-10 रेपिटेशन, वेट थोड़ा सा कोशिश करें थोड़ा सा हैवी हो, ज़्यादा नहीं कि जर्क हो, जर्क नहीं करना चाहिए, वेट कम भी चलेगा। अब चलेंगे 4th एक्सरसाइज आपकी हैमर कर्ल, और हैमर कर्ल को ग्रिप बिल्कुल टाइट, दोनों डंबलों को एक साथ यूज़ करेंगे, एक एक भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों को ज़्यादा एक साथ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है आपकी ब्रैकियो रिडेलिस मसल के लिए। अब करेंगे ट्राइसेप्स का वर्कआउट। पहले एक्सरसाइज में आपने अपनी रोप एडजस्ट करेंगे अपनी मशीन पे, अपनी बार हटा के अपनी रोप लगाएंगे और वेट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। पहला वेट हमेशा लाइट रखें, 4 सेट्स करेंगे, 15 रेपिटेशन, और मसल को स्क्वीज़ करेंगे नीचे जाके, ऊपर मसल को स्क्वीज़ 90 डिग्री पर लाएंगे ऊपर, और फिर नीचे जाके मसल को स्क्वीज़ करेंगे। ये बैक से आपकी मसल है, ये आपके आउटर साइड की मसल का एंगल है जो आप रोप करेंगे, 4 सेट्स 15 रेपिटेशन आपकी रोप के। और सेकंड एक्सरसाइज करेंगे आपकी स्कल क्रशर भी बोलते हैं, लाइंग ट्राइसेप्स भी बोलते हैं, इसके 4 सेट्स करेंगे हम, 10 रेपिटेशन करेंगे। वेट अपने हिसाब से रखें, वेट ज़्यादा ना रखें, क्योंकि आपको चोट भी लग सकती है। और ग्रिप की, कईयों ने पूछा है कि इसमें ग्रिप कैसी रखनी है, तो ग्रिप या तो थंब अंदर रखें या बाहर रखें, वो आपके ऊपर है। कई जने थंब अंदर रखते हैं, कई बाहर रखते हैं, लेकिन ग्रिप हमेशा
अंदर की साइड से पकड़ें, वो ज़्यादा सेफ़ रहती है और ज़्यादा अच्छी पकड़ रहती है। तो जैसे आपको अब दिखे ये मेन ग्रिप है, तो इसको ऐसे ही पकड़ें। और जब आप ट्राइसेप्स करेंगे, अपनी लैंग ट्राइसेप्स करेंगे, शकल कर्शर करेंगे, तो थोड़ा सा आपकी एल्बो पीछे की साइड रहेंगी, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। आपको ट्राइसेप्स दिख रही है अपनी। 4 सेट्स करेंगे, 12 रेपिटेशन करेंगे, बिल्कुल मसल को फील करते हुए, जैसे आपको ट्राइसेप्स दिख रही है। क्या करें, पोजिंग भी चल रही है। हाँ, पोजिंग ज़रूरी होती है, कई बार आप जब वर्कआउट करें तो बीच में पोज करते रहें। अब आपकी करेंगे 3rd एक्सरसाइज, आपकी डबल हैंड डंबल एक्सटेंशन। डबल हैंड डंबल एक्सटेंशन करेंगे आपकी 4th एक्सरसाइज। ग्रिप बिल्कुल टाइट रखेंगे। बेस्ट एक्सरसाइज, कईयों की मसल छोटी रहती है, ट्राइसेप्स कई कहते हैं ग्रोथ नहीं करती, तो वो इस एक्सरसाइज को अपनी शेड्यूल में जोड़ लें जो भी वर्कआउट कर रहे हैं। 4 सेट्स करेंगे, 12 रेपिटेशन, और कोशिश करें आपकी एल्बो अंदर की साइड रहेंगी, आपकी कोहनियाँ हैं जो अंदर की साइड रहेंगी, इन्हें चौड़ा ना करें हाथों को, और मसल को फील रखें, ऊपर जाके 1 सेकंड के लिए स्क्वीज करें। अब हम कर रहे हैं 4th एक्सरसाइज आपकी ट्राइसेप्स डिप्स। इसके हम 4 सेट्स करेंगे, और कोशिश करें कि कम से कम 15 रेपिटेशन निकालें, 15 से 20 के बीच में रेपिटेशन निकालें, क्योंकि ये आपकी ट्राइसेप्स को क्लियर करने के लिए है। आपकी बड़ी ट्राइसेप दिखे, आपकी ट्राइसेप्स ग्रोथ नहीं करती, तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी बेंच डिप्स। लेकिन मसल को स्क्वीज करना है ऊपर जाके, होल्ड करेंगे जब भी फायदा है इसका, नीचे झूला झूलेंगे कोई फायदा नहीं होगा। नीचे ऊपर जाके स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब ऊपर जाके टाइट करना है मसल को, नीचे गए ऊपर जाके मसल टाइट।